हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल चंद्रा एकेडमी। आई एम चंद्रशेखर सिंह और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है, तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले पहचान देखते हैं। सेंटेंस के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहा होगा, रही होगी इत्यादि दिया रहेगा। सेंटेंस के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि दिया रहता है, तो हम उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य में जिसमें कोई चीज़ स्वीकार की जाती है, सबसे पहले हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब उसमें आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अदर वर्ड्स यानी अन्य शब्द। तो इस तरह से हम किसी भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को सजाएंगे। तो आइए पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है कि मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा। इसको हम बनाते हैं, सब्जेक्ट है आई, आई के साथ लगता है शैल, आई शैल बी वेटिंग, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू। इसमें आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ शैल, उसके बाद बी, उसके बाद इंतज़ार करना का ये वेट होता है, तो वेट इसमें आईएनजी हमने जोड़ दिया, उसके बाद ये फॉर प्रीपोजिशन है, वेट के साथ फॉर प्रीपोजिशन अवश्य लगता है कहीं भी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है यू, तो आई शैल बी वेटिंग फॉर यू। नंबर टू है, वह बैठा रहेगा, इसमें सब्जेक्ट होगा ही के साथ विल, ही विल बी सीटिंग, ही उसके साथ विल फिर बी और सिट बैठना उसमें आईएनजी लगा दिए, ही विल बी सिटिंग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। तो ये था अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल थे। नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद नॉट, फिर बी, भर में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। फर्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। तुम पढ़ते नहीं रहोगे, तुम पढ़ते नहीं रहोगे, इसमें नहीं दे दिया है, इसमें नॉट लगाएंगे। तुम पढ़ते नहीं रहोगे का होगा यू विल नॉट बी रीडिंग, यू सब्जेक्ट इसके साथ विल, उसके बाद नॉट, फिर बी और रीड में आईएनजी हमने लगा दिया, यू विल नॉट बी रीडिंग, ऑब्जेक्ट अभी इसमें नहीं है, तो यहीं तक इसको छोड़ देते हैं। तो ये आपका बन गया तुम पढ़ते नहीं रहोगे का यू विल नॉट बी रीडिंग, हम लोग कुछ नहीं करते रहेंगे, तो हम लोग कुछ नहीं करते रहेंगे, तो इसका हम लोग देखते हैं, तो इसमें कुछ नहीं दिया है, केवल नहीं दिया होता तो नॉट लगाते, लेकिन कुछ नहीं है तो इसका लगेगा नथिंग या नॉट एनीथिंग, दो चीज़ लगा सकते हैं। तो हम लोग कुछ नहीं करते रहेंगे, वी शैल बी डूइंग नथिंग। वी शैल बी डूइंग नथिंग, हम लोग कुछ नहीं करते रहेंगे। अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले शैल विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड्स। पहला एग्जांपल है, क्या मैं दौड़ता रहूँगा। इसको बनाते हैं, मैं है तो शैल लगेगा पहले, शैल आई बी रनिंग, शैल सब्जेक्ट आई इसके बाद बी, रन वर्ब है इसमें आईएनजी, रनिंग। क्या तुम परीक्षा देते रहोगे, नंबर टू एग्जांपल।
यू है तो विल होगा, विल यू बी अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन, ये क्वेश्चन मार्क यहां हम दे देंगे. विल यू बी अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन, परीक्षा देना का होता है अपीयर एट द एग्जामिनेशन या सिट इन द एग्जामिनेशन. तो हमने यहां पर अपीयर एट द एग्जामिनेशन लगाया है. तो विल यू बी अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन, क्या तुम परीक्षा देते रहोगे. अब यह आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाले, जो प्रश्नवाचक सर्वनाम हु व्हाट व्हाई वेयर इत्यादि देते हैं, तो उसको हम कैसे लगाते हैं इसको देख लेते हैं. हम लोग कहाँ जा रहे होंगे, कहाँ का पहले लिखेंगे वेयर. हम लोग हैं तो शैल लगेगा. वेयर शैल वी बी गोइंग, वेयर शैल सब्जेक्ट वी बी गो में आई एन जी हमने लगा दिया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. तो वेयर शैल वी बी गोइंग, हम लोग कहाँ जाते रहेंगे. नंबर टू है वे क्यों खेलते रहेंगे, व्हाई. विल दे बी प्लेइंग, वे लोग क्यों खेलते रहेंगे. तो इसमें क्यों क्यों को जो है लगाएंगे पहले व्हाई, और दे के साथ चूंकि विल होता है तो व्हाई, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट है दे, व्हाई विल दे, और उसके बाद बी, और खेलना का होता है प्ले में आईएनजी, और ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें. तो इसका बन जाएगा वो क्यों खेलते रहेंगे, व्हाई विल दे बी प्लेइंग. तो ये था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जो बड़ा ही इजी है, समझने में आसान है, और उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे. यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को आप दबा दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी सूचना, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए. थैंक यू.